आके सारा कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के शुक्र से मज़े में हूँ, ठीक हूँ। आज मैं हाउस कंस्ट्रक्शन के एक नए व्लॉग के साथ, व्लॉग नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा मकान की, उसके अंदर अभी प्लाट का जो पहले था बुनियादें मुकम्मल हो चुकी थी, अभी इसके अंदर हम जो पार्ट नंबर 3 है इसके अंदर प्लाट की प्लेंथ लेवल डलेगी, बीम डलेगा जिसको कहते हैं, उसकी शटरिंग हो रही है प्लाट के अंदर और इसके बाद फिर उसके अंदर सरिये का जाल बिछा के उसकी भराई की जाएगी। तो चलते हैं फर्दर एनी डिस्कशन डिले के आपको कंस्ट्रक्शन के एरिया के ऊपर, साइट के ऊपर, और वहाँ जाके दिखाता हूँ कि शटरिंग हो रही है, फिर उसके बाद सरिया लगेगा और फिर उसके अंदर जो है वो शटरिंग का काम DPC के लिए जो है वो शुरू हो चुका है। अभी ये शटरिंग कर रहे हैं, इसके बाद इसके अंदर सरिया डाला जाएगा, सरिया डालने के बाद फिर इसकी भराई होगी। भराई होने के बाद जो अगला स्टेप होगा वो इसके अंदर मिट्टी की फिलिंग की भराई होगी DPC के लेवल तक, फिर उसके बाद बुनियाद शुरू होगी, असल जो घर के लेवल की बुनियाद होगी वहाँ से शुरू होगी। तो दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस चल रही है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक अल्लाह पाक का बहुत करम है, हर काम स्मूथ तरीके से, अच्छे तरीके से, रहसन तरीके से हो रहा है। अल्लाह पाक आगे भी दुआ है कि अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएँ और अपनी रहमतें और बरकतें फरमाएँ। शटरिंग का काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है DPC के लिए, सरिया वगैरह भी डाल दिया है, बस थोड़ा सा कुछ काम अभी बकाए हैं जिसमें ये टेंकी की शटरिंग है वो करना है, इसमें सरिया बिछाना है, बस अभी ये कि वो आज इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद अगले स्टेप में इसकी सारे की भराई होगी इंशाल्लाह। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक बेहतरी करे। ये 9-9 इंच की जो है ये भराई होनी है, DPC लेवल की भराई होनी है, ये 9-9 इंच की होनी है। ये भी एक जंगला बना रहे हैं, वहाँ पे घर के जो वायर एंड के ऊपर वहाँ पे एक जो मेन सीवरेज लाइन आ रही है उसका कवर नहीं है, तो वो जो रेत बजरी वगैरह आती है ना वो सारी उसके अंदर गिर रही है। तो ये अभी ना ये हमारे क्लीम भाई हैं यहाँ पे प्लाट पे होते हैं, यही लुक आफ्टर करते हैं सारी, तो इनके साथ मैंने डिस्कस किया कि यार हमने एक खुद ही कवर बना के सरिये का और उसके ऊपर ऐसे बोरी सीमेंट वाली या वो दूसरी रख के और इंटे रख लेंगे तो कवर हो जाएगा। जब तक सोसाइटी उसको कवर नहीं करती, नहीं देती उसका, हम ये ख़ुद टेक्निकली जो है ना बना के ये चीज़ रख लेते। ये माशाल्लाह क्लीम भाई इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं और ये काम भी जो है थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तभी ये बना रहे हैं माशाल्लाह। ये वैसे हमें पहले ही बना लेना चाहिए था, है ना, ऐसी सुस्ती की है। मैं उस दिन अब्बू को कह रहा था कि यार ये ना खुद ही हम बना लें तो बेहतर है, क्योंकि सोसाइटी तो पता नहीं कब देगी कब नहीं देगी, ऐसे ही।
सफ़रिंग मुकम्मल हो चुकी है। सरिये जो टेंकी में है वहाँ पे सरिये का जाल लगाना था वो लगा दिया है, तो सब इसकी शर्टिंग करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह इस सब की भराई हो जाएगी। और भराई होने के बाद ये मिट्टी आ चुकी है, ये सारी जो मिट्टी है ये उठा के प्लांट के अंदर डालनी है, इस लेवल पे लेके आने डीपीसी के लेवल पर। चला आज भराई हो जाएगी और एक दिन के बाद ये इसमें मिट्टी डालना शुरू कर देंगे। प्रेशर कंक्रीट की मशीन अलहमदिल्ला स्टार्ट हो चुकी है। इंशाल्लाह भराई का काम जो है वो शुरू हो गया, इंशाल्लाह दो एक घंटे के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा। ये एक में बजरी कितनी डालते हैं, बजरी कितने डालते हैं? ये दो डगे बजरी के। और रेत एक डगा, रेत भी एक रेडी, रेक एक रेडी और एक सीमेंट की एक बोरी। ठीक हो गया। पानी कितना? तीन बाल्टी पानी। ये जो एक मिक्सर होता है इसके अंदर ये जो बजरी का इनका ये ड्रम है ये दो डालते हैं, इसके बाद एक रेडी जो है इनकी चलाने वाली रेडी होती है तो वो भर के रेत की डालते हैं, एक बोरी सीमेंट की डालते हैं और तीन बाल्टियाँ पानी की डालते हैं। तो ये एक मिक्सर तैयार है। अभी मशीन के अंदर माल डालने के बाद मिक्स किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मशीन से जो माल मिक्स किया जाता है वो हाथ से उसको कभी भी उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता, मशीन उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करती है। मिक्स करने के बाद रेडी में ला के उसका भरा जाता है और फिर इस तरह यहाँ पर माल डाला जाता है डाली के अंदर। ये अभी सप्लाई करेंगे रेडी है, हाल के रेडी को घुमा लिया ऐसे। अंकल अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से अंजाम देते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी के साथ इस एज में काम हो रहा है। और काम के बाद अभी जो है वो इनकी फ्री ब्रेक हो रही है, तो अभी इनको चाय और समोसे वगैरह इनको एंटरटेनमेंट के लिए दिया। काम मुश्किल है वाकई, ऐसा ही है, नहीं होता अगर हमें करना पड़े ना तो बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। तो ये ब्रेक वगैरह इनके लिए बहुत ज़रूरी है। Thank you.
अल्हम्दुलिल्लाह काम जो फिलिंग का है डीपीसी का वो मैक्सिमम हद तक कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा रहता है इंशाल्लाह ये भी अभी आधे घंटे में इंशाल्लाह फिर ख़त्म हो जाएगा। बस ये टैंकी की जो साइडों की फिलिंग है ये सही जो है वो कंक्रीट की करनी है ये सारी, तो इसमें डिले होगा। बाकी इंशाल्लाह ये है कि बाकी बीम का जो काम है वो मुकम्मल हो गया, तो बस मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के अंदर ये काम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सर जी वीडियो सही करते पड़ा तो काम तो किया कोई नहीं है तू तो सर इसकी वीडियो अगर बनाई है तो कोई लाइक ही तो ना आज बना पाते यार आज पता ही नहीं चल रहा रिवाइज बंदा है जिसने काम ही नहीं किया कैसे सही आते पे है ना रेत इस्तेमाल नहीं हुई ना मैं नेट पे चार संगे बंदा जो पार्टी जो मैं काम ना दियो लेंथ लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। उसके अंदर कंक्रीट जो भरनी थी वो आज उन्होंने भर दी है, बीम डल चुका है, बस इंशाल्लाह एक आध दिन ये रहेगा, इसकी तराई होगी, तराई होने के बाद फिर इसके ऊपर फर्दर ऊपर बुनियाद का काम शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम लेंटर तक पहुँच जाएंगे। तो स्टेप बाई स्टेप इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो सारी आपके साथ दिखा दूँ, लेकिन बीच में हो सकता है कि कभी कुछ चीज़ मिस भी हो जाए, हर टाइम वो साइट पे अवेलेबल भी नहीं होता हूँ, ऑफिस का भी है, जॉब भी जाना होता है, तो इस वजह से मुख्तलिफ टाइम में अवेलेबल होता हूँ लेकिन किसी टाइम नहीं भी हो सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो कवर कर सकूँ। तो इजाज़त दीजिए मुझे, ज़िंदगी ने वफा की और सांसें बरकरार रहीं तो फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपने दोस्त अपने भाई मोहम्मद जमशेद को इजाज़त दीजिए, खुदा नेगेवान।